गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुछ व्लॉग्स गाइस। तो आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ से मुंबई के लिए कुछ एक महीने बाद शायद। तो बेसिकली काम वाम करना है तो काम के जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो वो चीज़ मैं ब्लॉग में दिखाते रहूँगा आपको। तो आज निकल रहे हैं और गाड़ी वाला बहुत सुबह आ चुका है 6 बजे। मेरी दिल्ली से फ्लाइट है तो अभी हल्द्वानी जाऊँगा, हल्द्वानी से फिर दिल्ली, तो सफ़र दिखाते रहेंगे। पैकिंग हो गई है पूरी और मैं हो चुका हूँ रेडी, ये मेरा ट्रैवल पाउच। चलो चलते हैं, अभी भी अंधेरा ही है यार और गाड़ी वाला आ गया मुझे लेने, तो चलते हैं। चलो निकल चुके हैं अब घर से, सब मुझे छोड़ने आ रहे हैं। हेलो बोल। चलो हेलो बाबा भी, हेलो ये आ चुकी है और मैं तभी आया मुझे छोड़ने अब। ये गुरुना माता के पहुंच चुके हम लोग और सफर मस्त चल रहा है अभी तो फिलहाल। बट मम्मी पापा की बहुत ज्यादा आ रही है और उनको भी आ रही होगी। चलो चलते हैं यहाँ से आगे। हम बाय एकदम लेने के लिए और रात की ट्रेन है, चलो सामान निकालते हैं। तो हमने सामान रख दिया क्लॉक रूम में और अपन जाते हैं कहीं। कहाँ जाए देखते हैं यार, नैनीताल साइड है। आज तेरा व्लॉग क्यों नहीं चल रहा है? आज मेरा व्लॉग नहीं है, मेरा सिर्फ ट्रैवल व्लॉग है। भानुज व्लॉग नहीं डाला, गलत है यार तू। तो ट्रैवल व्लॉग में तो ट्रैवल ही तो करके आया होगा तू अभी। हाँ इतना, हाँ मतलब ट्रैवल तो हल्द्वानी से हल्द्वानी आना, तो ट्रैवल व्लॉग नहीं भाई। अच्छी बना देता हूँ, हाँ ये बना रहे हैं। चलो हम लोग चलते हैं। पहुँच गए पिज्ज़ा खाने। ये दीपू वो रोहित का भाई, ये है वो। हेलो बोल दीपू। कैसे देख रहे हैं? ये भी शर्मा रहा रोहित की तरह। तभी अपन लोग पिज्ज़ा खाते हैं फिर देखते हैं टिकट कन्फर्म हुई नहीं हुई, नहीं भी तो बस ढूंढेंगे फिर ट्रेन में देखते हैं। हेलो बोल रहे हैं पिज्ज़ा हमारे स्पाई घंटा हो गया। अब पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो अभी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई पहला, दूसरा सारी बसें फुल थी। तो एक प्राइवेट बस बुक करी अभी जो 9:45 की है और वो मुझे छोड़ रही है 3 बजे और मेरी फ़्लाइट है 10 बजे। तो अभी देखते हैं सब कुछ कैसे मैनेज होता है, बट अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 8 बज चुका है, 9 बजे मुझे पहुँचना है। चलो निकलते हैं, देखते हैं और क्या क्या होता है अभी, क्या क्या हो सकता है। तो फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ, चलो दिल्ली। एकदम सुबह सुबह पहुँच गया हूँ मैं दिल्ली मुनेर का मेट्रो स्टेशन में। अब यहाँ से कैब बुक करते हैं और सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट। बुक कर रहे हैं, सबकी आ रही है, मेरी कैब नहीं आ रही है, हद है यार। भी थे सब चले गए, सबको कैब मिल गई, मेरी कैब नहीं आ रही। बस मैं ही कैब पे रुका, मेरा कैब वाला पता नहीं कहाँ है यार, जल्दी आ जा भाई। क्यों बड़ी मुश्किल से कैब वाला मिला यार, पर चलो मिला तो सही, फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं। बेसिक नॉलेज कि हम लोग एयरपोर्ट 6 घंटे पहले चेक इन कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता था, बट मैंने आज किया क्योंकि मैं पहुँच गया था कितने बजे, 4 बजे सुबह और 4:30 एयरपोर्ट आ गए। तो अब मेरी है फ़्लाइट 10:40 की, तो मेरे को चेक इन करने थे, बैग भी चेक इन हो जाते हैं, मैंने बैग वैग सब चेक इन कर लिए, बस गेट नंबर नहीं मिलता है, गेट नंबर मिलेगा बाद में। और मेरा बैग भी 15.2 हो रहा था, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए इन्होंने अच्छे आकाश शेयर वाले। तो अब चलते हैं, अब चेक इन करते हैं, अंदर जाते हैं, गेट नंबर ढूंढेंगे उसके बाद। तब तक कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, आज बहुत महंगा पड़ने वाला लग रहा है मुझे एयरपोर्ट में खाना पीना, तो तब भी देखते हैं क्या होता है। चलो खाने के इतने सारे आउटलेट है, मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊं और लास्ट में सोच रहा हूँ सबवे ही खाते हैं। चलो सबवे लेके आते हैं, वेज डिलाइट। हम अपने सबवे खा लेते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं, अभी बज रहा है 6:30 इंतज़ार करना है 10:30 तक, सबवे खा के इंतज़ार करते हैं। चलो भाई सब 2-3 घंटे और खाता हूँ, सो जाता हूँ सोच रहा हूँ। करके अभी बज रहे हैं 8:30, मैं 5:30 से एयरपोर्ट में बैठा हूँ। बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर दिया लग रहा है मुझे,
मैंने सब कुछ देख लिया एयरपोर्ट का, बहुत तक चुका हूँ, सारे गेट देख दिए हैं, सारे फूड कोर्ट देख दिए, सारी दुकानें देख के आ गया हूँ और नींद भी आ रही है अब तो। हम बस हो रहे हैं मुंबई जाऊँ और सो जाऊँ। नेट सी कब पहुँचता हूँ मुंबई, 10 की फ्लाइट है। ये मैंने पहली बार देखा सब इतने ओबीडियंटली, वो भी इंडिया में बैठे हैं, देखो एकदम ओबीडियंटली, क्या बात है। एंड एक चीज़ ये समझ नहीं आती है, अनाउंसमेंट हुई आपकी फ्लाइट की, लाइन में क्यों खड़े हो? रुक जाओ भाई, लाइन कम हो तो फिर जाओ, आपके बिना फ्लाइट नहीं चाहिए, आप बगल में बैठे हो क्योंकि। एंड एक और लोड हुआ, मेरे को जाना है बस से। एक होता है देखो बोर्डिंग ऐसा जो सीधे प्लेन के अंदर घुसते हैं एयरपोर्ट से, एक होता है बस में बैठा के आपको प्लेन पर जाते हैं, और इन्होंने कम से कम 15 मिनट घुमाए तब जाके मुझे मिला प्लेन मिला है। चलो जाते हैं प्लेन के। ये मैं अपने जूते फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेग रूम दिखा रहा हूँ। इसमें इतना अच्छा लेग रूम था जबकि ये कुछ अपग्रेड भी नहीं किया था मैंने, बहुत अच्छा है। एंड इसमें चार्जिंग पोर्ट था और एयरलाइन में नहीं होता है, और इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो आप लोग जाओ तो अकासा एयर प्रेफर करो, बहुत अच्छा है। एंड ये पॉल्यूशन देखो यार, दिल्ली के ऊपर दिल्ली दिख ही नहीं रहा है, ये पूरा पॉल्यूशन है। मैं पहुंच गया मुंबई, मेरी जान कितना अच्छा दिख रहा है मुंबई यार, मजा आ गया। चलो चलो फटाफट लैंड होते हैं। फिर से सेम जैसी फ्लाइट लाइन में सब खड़े हो जाते हैं, क्यों भाई रुक जाओ आराम से उतरो यार। और ये हमारे बैग जाते हुए बेल्ट से कैसे फेंकते हैं यार। मुंबई पहुंचा, मुझे लगा कि मेरे दोस्तों लेने आए होंगे, बट नहीं आए, दिख रहा दोनों में, खुद ऑटो लेके जाना पड़ेगा। चलो ऑटो लेके चलते हैं, यहाँ देखो सीधा मीटर शुरू होता है, कोई मगज मारी बार्गेनिंग नहीं करनी है। और जब से आया ना मैं घर की सफाई करने में लगा था, बहुत गंदा हो रहा था जेन्युइनली घर, अभी साफ कर दिया, मंदिर में दिया जला दिया है, ये पूरा क्लीन कर दिया, यहाँ पूरी गंदगी हो रही थी, अभी सब कुछ सेट हो चुका है, अभी और चीज़ें लगानी है यहाँ पे, तो क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं इनसे मिलने, करण भाई रिद्धि से मिलने, क्राइम पार्टनर गो गो कुछ लोग्स के, तो चलो उनसे मिलते हैं। अब तो वीडियो आएंगी साथ में, चलो मिल गया था उनसे, वेरी एक्साइटेड, देखते हैं वो कितने एक्साइटेड हैं। चलो महीने बाद एवर शाइन की वो यार, खुशी हो रही है एकदम, मज़ा ही आ गया। ओहो देखो अभी भी यार थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ी हैं, बाकी तो निकल चुकी हैं, एकदम सुनसान ही दिख रहा है, पर अभी तो यार सब दिल्ली वाली वाइब, वो मतलब सॉरी दिल्ली का दिवाली वाली वाइब में ही अभी लग रहा है मुझे, छुट्टी छुट्टी खेल रहे हैं सब, तो मज़ा आ रहा है। बहुत क्लीन हो गया यार, मतलब मैं क्या गया एकदम क्लीन क्लीन दिख रहा है बस ट्रेन तो। एंड पता है सीधे पहुँचते हम लोग गाड़ी में गए, करण भाई ने नई गाड़ी ली थी, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, सेल्टोस लिए इन्होंने, तो हम इसमें घूमने सीधा निकल गए, हमने हेलो भाई कुछ हुआ नहीं, हम सीधे घूम रहे हैं, तभी मेरा सीधे ये शॉट आ रहा था, और रात को अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो तब हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, खाली थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखा दे कि अपन लोग मिल चुके हैं। अब अगली ट्रिप में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो मैं आपको बाकी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे, और ये हेलो भाई तभी करेंगे ये लोग, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्लैक बाय ब्लैक दिख रहा था, फुल मज़े ले रही टाइटेनिक पोज में। तो अभी मिल के घर आ चुके हैं, होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन गाइस। और मैं एकदम थक चुका हूँ यार, और इनसे मिले सीधे हम कार ड्राइव में चले गए, और बस चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तो बहुत धमाल करेंगे आप लोग मिलके, बने रहिए चैनल, बाय।